बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल आपके लिए नहीं है, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। और की तरिया न्यू न्यू आंडना ना है तुम्हारा फंक्शन है कि सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है दनुरो, आप देख रहे हैं लेजेंड्स बॉडी बिल्डिंग यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए। उससे पहले एज ऑलवेज चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, हम ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने पहली अपडेट की ओर, जो कि है अपने रेमन डीनो की ओर से, जो कि कम्पीट करने वाले अपने आर्नोल्ड क्लासिक में। तो भाई उन्होंने अपने 4 वीक्स आउट का लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर कर दिया। आप देख सकते हैं कि अपने रेमन डीनो प्रेजेंट टाइम में कैसे लग रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनकी कंडीशनिंग देख सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा टॉप नोच लग रही है। चेस्ट एंड शोल्डर ऑन पॉइंट, एब्स भी काफी ज्यादा पॉप आउट हो रहे हैं, ओब्लिक्स क्लियर रूप से दिखाई दे रहे हैं। और आप लोग इनकी चेस्ट में फाइबर भी देख सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा विजिबल हो रहे हैं। और आप लोग इनकी लेग्स पे भी फोकस कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा ह्यूज और एक अच्छी सेपरेशन में लग रही है। बाकी आपको पता ही होगा कि अपने रेमन डीनो वर्ल्ड के टॉप एथलीटों में से एक है, और भाई उन्होंने इस बार के ओलंपिया में 2nd प्लेस सिक्योर की थी क्लासिक डिविजन में। और भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने रेमन डीनो अपने आर्नोल्ड क्लासिक के 1 साइडर विनर होंगे। बाकी इनसे रिलेटेड आप सबके क्या थॉट्स हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली अपडेट की ओर, जो कि आ रही है सैमसंग दाउदा की ओर से। सो गाइस, यह भी कम्पीट करने वाले अपने आर्नोल्ड क्लासिक में। तो भाई इन्होंने भी अपना एक लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर कर दिया। आप देख सकते हैं कि अपने सैमसंग दाउदा प्रेजेंट टाइम में कैसे लग रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अपने सैमसंग दाउदा कितनी अच्छी शेप में लग रहे हैं और कितनी अच्छी कंडीशनिंग में लग रहे हैं। और भाई इनकी फिजिक में काफी ज्यादा हार्डनेस भी विजिबल हो रही है। तो भाई इनकी इस फिजिक को देखकर ऐसा लगता है कि अपने सैमसंग दाउदा टॉप 5 में तो आसानी से आ जाएंगे। बाकी भाई देखते हैं कि अपने सैमसंग दाउदा कैसा पैकेज लेकर आएंगे आर्नोल्ड क्लासिक में। बाकी इनकी तरफ से जो भी अपडेट आएगी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली अपडेट की ओर, जो की आ रही है तरुण गिल की ओर से। सो गाइस, अपने तरुण गिल जो कि अपने पुराने अंदाज में वापस आ चुके हैं। तो भाई हाल ही में इन्होंने अपने इंस्टा पर एक पोस्ट शेयर करते हैं, जिसमें कि भाई वह अपने रणदीप हुड्डा के साथ एक अपना इंटरव्यू करते हुए दिखे हैं, जो कि अपने बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। तो चलिए उसकी एक छोटी सी क्लिप देख लेते हैं। आदमी हो, इंसान हो, मर्द हो, तो तुम्हारा फंक्शन मोर की तरिया न्यू न्यू आंडना ना है तुम्हारा फंक्शन है कि इंटरनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। करेक्ट भाई, इंटरनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इंटरनल स्ट्रेंथ ऐसा नहीं है कि सिक्स पैक वाले के नहीं है, उसके भी है। नहीं है भाई, कहाँ है, मतलब आपको पता ही, लाइक जो स्टेज पे लड़के खड़े होते हैं ना, तो वीकेस्ट वहाँ पे आपको पता है, पानी छोड़ रखा होता है, नमक छोड़ रखा नहीं होता वो है। तो खैर वो तो, वो वाला सिक्स पैक तो मेंटेन ही नहीं कर सकते यार, आप मेंटेन ही नहीं कर सकते। अगर सिक्स पैक का शूट है, एक्टर भी क्या करते हैं, एक हफ्ता 10 दिन पहले नमक पानी ये वो छोड़ के डायरेटिक्स खा खा के वहाँ पे दिखने दिखने के लगते हैं, वो बात सही है। पर जनरली अगर आपको लाइफ में जो है ना इंटरनल स्ट्रेंथ ना आपको और चीजों से आती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी लास्ट अपडेट की ओर, जो कि आ रही है अपने मुकेश गहलोत गुरुजी की ओर से। सो गाइस, अपने मुकेश गहलोत गुरुजी ने ना आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है, तो चलिए वह देख लेते हैं। तो ट्रेनिंग और डाइट दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं आपके गेम के। ट्रेनिंग वाला फैक्टर 2 से 3 घंटे मैक्सिमम, 1.5 घंटा में ट्रेनिंग हो जाएगा आपका डबल पार्ट, 10-10 मिनट वार्म अप कूल डाउन स्ट्रेचिंग, 20 से 30 मिनट कार्डियो, तो 2.5 घंटे के अंदर आपका ट्रेनिंग फिनिश, मैक्सिमम 3 घंटा। लेकिन उसके बाद 20 से 22 घंटे आपने डाइट पे काम करना है। अगर देखो आप रोज़ चीट करेंगे या आपका मन होता है, क्रेविंग होती है आपको रोज़ कुछ ना कुछ गलत खाने की, और आपको रोकना पड़ता है अपने आप को ज़बरदस्ती, तो बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल आपके लिए नहीं है, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आप टारगेट पे फोकस नहीं है, तब ये होता है। अगर आपका फोकस अच्छा टारगेट पे, तो बिल्कुल डेली आपको खाने की क्रेविंग नहीं होगी। और आपको पता ही है ट्रेनिंग करने के बाद आपकी डाइट ही है जो आपको मसल बिल्ड करने में या फैट को लॉस करने में हेल्प करता है। तो जितना ट्रेनिंग पे सिंसियर है, उससे ज़्यादा सिंसियर होने की ज़रूरत है डाइट पे, क्योंकि वहाँ आप अकेले हैं, चीट करने के चांसेस ज़्यादा हैं। डेली डेली टारगेट पे नज़र बनाए रखें, तभी डिसिप्लिन आएगा। थैंक यू। तो भाई आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, मिलते हैं कल किसी को नई वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी हम रेगुलर अपडेट डालते रहते हैं। मिलते हैं कल किसी को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय।